वहीं आगे एक है भट्टा जहाँ पे ईंट बनाया जाता है। तो चलिए भट्टे पे लेकर के चलते हैं और आप लोग भी देखिए जो हमारे गांव में यूपी साइड में जो भट्टा होता है ईंट का, वहाँ का भट्टा और मुंबई शहर का ईंट का भट्टा कैसा है, देखिए काफ़ी फर्क लगेगा आप लोगों को। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी इस वक्त मैं मुंबई में, और मुंबई में एक ज़िला है थाना, और वहाँ पे एक छोटा सा शहर है भिवंडी। तो भिवंडी के गांव साइड एरिया में मैं हूँ और मैं आया हुआ हूँ एक भट्टे पे। तो ये देखिए हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भट्टा है। हमारे यहाँ के तरीके का भट्टा यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़े में भट्टा होता है और ऊँची ऊँची चिमनियाँ होती हैं और ईंट कहीं और पाथा जाता है और उसकी पकैया और कहीं और होती है। तो यहाँ के भट्टे का कुछ सिस्टम अलग है और पथाई का जो ईंट सांचे में डाल करके मिट्टी पाथते हैं उसका भी तरीका यहाँ पर अलग है और पकाने का भी तरीका अलग है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि मुंबई शहर में ईंट कैसे तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये जंगल साइड का पूरा एरिया है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ का देखिए भट्टा है और यहाँ पर देखिए ये जो बुरादा होता है राबिस है, और यहाँ पर देखिए कोयला है सब कुछ का। यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है भाई, आ? ये जो बना रहे ये क्या चीज़ है? ये चन्नी में डालने का है। अच्छा अच्छा, ये कोयला है, साइजिंग डाइंग में जलता है। अच्छा अच्छा, जलने वाला माल। अच्छा, ये जो साइजिंग में कोयला जलता है, ये जो कपड़ा जो बनता है लूम वाला, भिवंडी में जो कोयला साइजिंग में जो जलता है ना, जलने के बाद यहाँ पर लाते हैं, फिर इसको कुटाई करके यानी तोड़ते हैं, फिर इसका पाउडर निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर पाउडर छाना जा रहा है। पाउडर निकालने के बाद फिर जब ईंट का जो है ये सांचा में डालते हैं ना, तो मिट्टी में मिला करके फिर इसको तैयार करते हैं, फिर सांचे में डाल करके फिर इसको पथाई करते हैं। देख सकते हैं ये सब जला हुआ कोयला है, देख रहे हैं ना। तो ये है भट्टा मेरे दोस्तों, तो देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से। और वहाँ पर काफ़ी सारे ईंट देखिए पथे हुए हैं। तो चलिए पूरा घूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये जब आग लगाते हैं ना, ये आग लगाने वाला कोयला है, ये देख सकते हैं। और ये पाउडर है, ये भी कोयले का पाउडर है। पाउडर से थोड़ा आग जो है ज़्यादा जल लगती है, ज़्यादा तेज होती है। तो काफ़ी खूबसूरत सा देखिए यहाँ का माहौल, यहाँ का नज़ारा, यहाँ का भट्टा है। और ये सामने पूरी इनकी रिहाइशें हैं। तो चलिए पूरी एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे यहाँ भट्टा कुछ अलग तरीके का होता है, और यहाँ का भट्टा देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है। और ईंट की देखिए पूरी पथैया हो चुकी है, और ईंट पाथने का काम देखिए यहाँ पर होता है। ये हौद बनाए हुए हैं, फिर इसके अंदर से मिट्टी निकालते हैं, शायद देखिए बाहर निकाल करके मिट्टी रखे हुए हैं, और ये मिट्टी है पूरी इसके अंदर डालते हैं, फिर इसको सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद फिर जो है यहाँ पर बाहर निकाल करके फिर इसको पाथते हैं। और इसका सांचा देखिए, ये देखिए सांचा है, देख सकते हैं। और काफ़ी दूर तक है, कुछ वहाँ पर भी पात करके देखिए खड़ा किए हुए हैं। देखिए काफ़ी हौद बनाए हुए, एक हौद, दो हौद, तीन हौद, चार हौद, मिट्टी बाहर निकाल करके इसको पाथते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए वहाँ पर पका हुआ ईंट है, तो अभी दिखाता हूँ कैसे ईंट पकाते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब है, उनसे ज़रा बात करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। ये भाई कितने दिन सुखाते हैं इसको? दो दिन। अच्छा, दो से तीन दिन। तो ये मिट्टी जो है ये कहाँ से, मिट्टी अलग से कहीं से आती है कि कहीं खेत में से खेत में से? अच्छा, खेत में से खोद करके लाते हैं? हाँ, खेत में से। अच्छा अच्छा, तो फिर ये इसके अंदर और क्या क्या डालते हैं? ये राख डालते हैं। अच्छा, ये राख, ये राबेट। अच्छा, ये ईंट के अंदर ही? हाँ, ईंट के अंदर। उसके बाद फिर इसको सांचे में डाल कर निकालते हैं? सांचे में डाल कर निकालते हैं, सुखाता है। अच्छा, और तीन दिन तक? तीन दिन का। फिर ये कैसे पकाते हैं? डालने का वो कोयला, कोयला वो काला वाला, डालते अच्छा, ये सब राख डालते हैं, कोयला डालते हैं, और ये पत्थर है ना शायद, ये खंगर, इसको खंगर ये ऊपर डालते हैं। अच्छा, ये ऊपर डालते हैं। उसके बाद फिर धुआं तो बहुत निकलता होगा? बहुत। हमारे यहाँ तो जो भट्टा होता है ना, इसको यहाँ पे मुंबई में क्या बोलते हैं? यहाँ पे चिमनी भट्टी ना, लेकिन चिमनी तो है ही नहीं, हमारे यहाँ भट्टा बोलते हैं। हमारे यहाँ भी चिमनी भट्टा बोलते हैं। उधर चिमनी भट्टी रहती है, वो हमारे इधर जो है ना, वो ऊंची ऊंची चिमनी रहती है, 50 मीटर 60 मीटर ऊंची चिमनी होती है।
फिर उसके अंदर पकाते हैं। और पूरा हमारे यहाँ तो गोल गोल होता है, ये तो चरकोन में है। ये गोल नहीं, सीधा सीधा रहता है। अच्छा सीधा सीधा। अच्छा ये एक ईंट कितने का बिकता है यहाँ पे? ये एक ईंट, ये एक ईंट कितने का जाता है? 14-15 रुपये। अच्छा अच्छा 14-15 रुपये का एक ईंट, यानी एक टाली में 2000 ईंट हमारे यहाँ आता है। तो कितने का हो गया सर भाई? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया टाली यहाँ पर के, वो ट्रेला के ट्रक के हिसाब से जाता है ना? ट्रक ट्रैक्टर। हाँ ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर में कितना ईंट यहाँ पे आता है? 3,000 ईंट ना। हाँ हमारे यहाँ 2,000 ईंट आता है। और ईंट भी देखिए काफ़ी हमारे यहाँ से साइज में छोटा है, लेकिन ईंट जो है ना मोटा मोटा है। देखिए ये देखिए कितने इंच का है, मेरे ख्याल से 6 या 7 इंच का होगा ना। बोलते हैं ना इसको ब्लॉक। हाँ हमारे यहाँ थोड़ा पतला होता है, लेकिन थोड़ा इससे लंबा होता है ये। हाँ ये लंबा भी है, ये मोटा भी है और चौड़ा भी है। वो जड़ भी है। ये 9 इंची है ना? नहीं 9 इंची नहीं है मेरे ख्याल से। देख लीजिए काफ़ी बना बना करके यहाँ पे रखा हुआ है ये पूरा। बाद में इसको उठा करके लेकर के जाएंगे वहाँ पे। यहीं पे पका, यहीं पे पका दोगे कि उधर लेकर जाओगे? लेके जाने का। हाँ पका दोगे। और मौसी का हाल आराम से ठीक ठाक है? ये सब यहाँ पर काम करने वाले। हाँ सही बात है, सब थक गए एकदम। जरा इधर देखें, इधर भी देखते हैं ना मेरे भाई। मुंबई शहर का भट्टा कैसा होता है? इसी तरीके से होता है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े में राउंडिंग राउंडिंग होता है, पूरा ईंट उसके अंदर सजा करके रखते हैं फिर पकाते हैं। लेकिन यहाँ का जो है सिस्टम थोड़ा सा अलग है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से ईंट यहाँ पर रखते हैं, फिर इसके अंदर कोयला, राबिस और जो जो कुछ चीज़ें होती हैं सब कुछ डाल करके फिर इसको पकाते हैं। देखिए काफ़ी सारे ईंट यहाँ पर रखे हुए हैं, देख सकते हैं, देख रहे हैं ना काफ़ी दूर तक है। देखिए काफ़ी दूर तक पका करके रखे हुए। ये सब पक चुका है, ये सब कच्चा ईंट है, यहाँ पर तैयार हो रहा है और कुछ वहाँ पर भी तैयार है। और ये इसके अंदर ये लोग रहते हैं जो यहाँ पर रहने वाले होते हैं। काफ़ी एकदम गांव वाला पूरा माहौल होता है, देख सकते हैं, देख रहे हैं ना मेरे दोस्तों। तो जिसको लेकर ईंट जाना होता है तो यहाँ से ईंट अपना ले करके जाते हैं। ये एकदम आउटसाइड एरिए में है। अच्छा भाई ये ईंट जो है ना, ये कितने इंच का ईंट है? 9 इंची। अच्छा 9 इंची का है, ज़बरदस्त। तो ये टाली में कितना ईंट रहता है? हमारे यहाँ तो 2000 ईंट आता है एक टाली में। तो टाली हमारे इधर का छोटा है। यहाँ छोटा है ना, कितना आता है एक टाली में? अच्छा 1500 भरते हैं। एक ईंट कितने का पड़ता है तकरीबन? 1500 ईंट 13 रुपये। अच्छा 13 रुपये का। और भाई हमारे इधर वाला सिस्टम, हमारे इधर भी 12-11-12 रुपये का पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ का भट्टा का सिस्टम थोड़ा अलग है, यहाँ पे पूरा एकदम अलग सिस्टम है। हाँ सही बात है, जबरदस्त देख सकते हैं। फकीर लोग है ज्यादा? फकीर नहीं भाई, हर जगह गरीब अमीर है, हर जगह। ये लोग बहुत, ये नहाता भी नहीं। 8-8 दिन में नहाता है? नहीं भाई, ये 8 दिन में नहाता है। ऐसा मत करो मेरे भाई, रोज नहाया करो। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। ना तो उस दिन नींद ना आता, बोल दी। जिस दिन नहा लेता उस दिन नींद नहीं आता है? नींद ना आता। अरे भाई ऐसा क्यों, देख रहे हो रोज नहाया करो। अच्छा अच्छा चल। तो देखिए काफी मेहनत का काम है यार, ये भट्टे का काम जो है ना, ईंट ऊंट का काम काफी मेहनत का काम होता है। आएगा आएगा एक दिन, पार्टी करेगा इधर, इधर जंगल में इधर मुर्गी उर्गी चिकन उकन ला के ना फ्राई मार के इधर तोड़ेगा एकदम दबा कर। पर देखिए काफी सारे, देखिए ईंट पका करके रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरे ये भट्टे वालों की रिहाइश है, और यहाँ पर एक दो भट्टा नहीं है, ये मेरे ख्याल से 5-6 भट्टा है। सबके ओनर, सबके मालिक अलग अलग है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों ये थी भट्टे की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करिएगा।